क्या आप भी मेरी तरह गेमिंग के शौकीन हो? क्या आपकी भी उंगलियां माउस का बटन और गेम पैड का ट्रिगर दबाने को मचलती हैं? क्या आपको भूख नहीं लगती? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पे सही बंदे के साथ हैं। मैं हूँ मूडीजे, मैं आपके लिए लाता हूँ न्यू गेम प्लेस, गेम डेमोन्स्ट्रेशन, टॉप अपकमिंग गेम्स, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2021 में आने वाली टॉप मोस्ट एंड बेस्ट लेजेंडरी गेम्स। ये सिलेक्शंस मेरे खुद के बने हुए हैं, मुझे लगता है कि ये आपको पसंद आने वाले हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट गेम्स, ट्रिपल ए टाइटल्स और ओपन वर्ल्ड का मिक्सचर है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेम। तो दोस्तों, ये एक सेमी ओपन वर्ल्ड गेम है। ये नियर ऑटोमेटा और गॉड ऑफ वॉर से इंस्पायर है और इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है एलियन वर्सेस ह्यूमन फाइट पे। एलियंस अर्थ पे एक्वायर कर लेते हैं और हमें जो है एलियंस को मार के उनके साथ फाइट करके हमें उसको रिक्लेम करना होता है। इस गेम का नाम है प्रोजेक्ट ईव और ये रिलीज़ होने वाली है 2021 में। इसका कोई भी मंथ अभी तक हमें बताया नहीं गया है। स्टीम पे भी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको पता नहीं लगेगा ये कब रिलीज़ डेट है इसकी एग्जैक्टली, बट इतना पता है कि ये 2021 में रिलीज़ होने वाली है। इसके ग्राफिक्स और कैरेक्टर कस्टमाइजेशन बहुत अच्छे तरीके और बेहतरीन तरीके का, ये ट्रिपल ए टाइटल गेम है। चलिए इसको देखते हैं और थोड़ा इन्जॉय करें। तो दोस्तों, ये एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है लो वैंग नाम का प्रोटैगनिस्ट से, जिसका मेन एम होता है एक ड्रैगन को डिफीट करना, जिसको इन्होंने गलती से अवेकन कर दिया था, यानी जगा दिया था। इस गेम में हमें ग्रैपलिंग हुक मिलती है, वॉल रन की कैपेबिलिटी मिलती है और अलग अलग टाइम पे हमारे वेपन्स अपग्रेड होते जाते हैं। इस गेम का नाम है शेडो वॉरियर 3 और ये रिलीज डेट है इसकी 2021। That had to hurt. Stay frosty.
सो वेल ये एक स्टेल्थ गेम है जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो एजेंट 47 होता है। एजेंट 47 को किलिंग असाइनमेंट्स मिलते रहते हैं, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग वेपन्स और अलग अलग तरीके यूज करते हुए आपको साइलेंटली एनिमी को किल करना होता है, पॉइंट्स और रिवार्ड्स लेने होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हिटमैन 3 की, जो 20 जनवरी 2021 में रिलीज हुआ। With complete freedom of approach, making the how, the when, and the where all up to you. 47 can get in anywhere. Sometimes with the aid of a stolen access card, a Glean key code, hacking the lock with his new camera, or just using good old-fashioned brute force. And sometimes all you need is an invitation. You can blend in anywhere. Disguises offer you access to corresponding areas, but be careful around enforcers. They will call your disguise if they get a good look. 47's arsenal has never been sharper, from the classics to the state-of-the-art. Of course, almost everything is a weapon in 47's hands. But a creative assassin need never touch a weapon. Surrounding you is a living, breathing world of opportunity. Action, reaction, cause and effect. From unfortunate accidents to careful exploitation of a bad habit. You can trick someone else into doing the dirty work, or you could simply book a meeting with your target. But it's no walk in the park. You must adapt as circumstances change. Your targets are some of the best protected people in the world. Some of them so elusive, they are only exposed for a limited time. Unlock new tools and weapons in our mastery tracks. Refine your approach as you advance across 20 mastery tiers per level, with new starting locations, new ICA gear, exotic distractions, and stashed weapons. Receive ratings based on your distinct playstyle and skill level. And keep challenging yourself with a slew of inventive escalations and complications. Master the art of assassination, and nothing can stop you. So well, ये एक थर्ड पर्सन शूटर गेम है जिसमें हम कैरेक्टर कस्टम कर सकते हैं। इसमें फोर क्लासेस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें हर एक कैरेक्टर की यूनिक कैपेबिलिटी होती है। जो पहला कैरेक्टर होता है वो ट्रिक्स्टर है जिसके पास टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी है। दूसरा जो कैरेक्टर क्लास होता है वो पायरोमेंसर होता है जो फायर कंट्रोल करता है। तीसरा डिवास्टेटर होता है जिसके पास सीस्मिक अटैक की कैपेबिलिटी होती है। और फोर्थ होता है टेक्नोमेंसर। और इन सारे क्लासेस की जो होती है एबिलिटी की एक कूल डाउन टाइम होता है जो कुछ टाइम बाद अपने आप ही डाउन हो जाता है। इसमें हम धीरे धीरे जितने भी हमारे पास एबिलिटीज़ हैं उसको हम स्किल को बढ़ा सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं धीरे धीरे। मैं बात कर रहा हूँ आउटराइडर्स की जो रिलीज़ होने वाला है 2nd February 2021 में। Robs us of our humanity, yet gives us so much more. Each step taking us further from what we were, and closer to what we must become. सो वेल ये एक सोलो को ओप एक्शन आरपीजी गेम है जिसमें हम एक वर्कर का काम करते हैं। हम और हमारे जैसे कई प्लेयर्स जो हैं इधर वो एक मेगा कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं।
ये मेगा कॉरपोरेशन अचानक जो है सडनली वो बिना किसी रीजंस के शटडाउन हो जाती है। अब हमें सर्वाइव करते हुए ये पता लगाना है कि उस शटडाउन का क्या रीज़न था। मैं बात कर रहा हूँ द एसेंट गेम का, जिसकी रिलीज डेट है 2021। This is a crisis supernova. The Ascent group has collapsed. We have a shot at true independence. I won't let it go to waste. We wish to test your abilities by giving you a special assignment. Find out what happened. सो ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है जिसे डेवलप और पब्लिश यूबीसॉफ्ट ने किया है। ये एक रीमेक गेम है जो अपने प्रीडेसेसर पे बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ प्रिंस ऑफ पर्शिया रीमेक की, जो 18 मार्च 2021 में रिलीज होने वाली है। Inside the hourglass is a marvel no living man has ever seen. Only the dagger can unlock the sands of time. No! Stop! No! Father! I saw my father turn to sand. You cannot defeat this enemy. The sands will consume everything. Come with me then. But I warn you, I move pretty fast. You'd better keep up. Prince, the dagger, it can turn back time. Give me the dagger. Never. I brought this on us. You are brave. And good. Don't let go. Quacko, look him. So ये एक फर्स्ट पर्सन साइकोलॉजिकल हॉरर सर्वाइवल गेम है। ये गेम स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर के टाइम से, जहाँ पे मर्कोफ कॉरपोरेशन एक कंपनी है जो लोगों को रिक्रूट करती है और उन पे ब्रेन वॉशिंग और माइंड कंट्रोल के टेस्ट किए जाते हैं। हमें इस गेम में उन सब स्थितियों को सहते हुए सर्वाइव करना होता है। मैं बात कर रहा हूँ एक हॉरर गेम की, जिसका नाम है आउटलॉस ट्रायल्स, और ये रिलीज होने वाली है 2021 में। Device fully operational, sir. Excellent. Bring in the other subjects. ये एक डार्क फैंटेसी एक्शन एडवेंचर गेम है जिसे पब्लिश किया है निंजा थ्योरी ने। सो इस गेम में जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट होती है वो शिनुआ होती है, जो हेलहेम की जर्नी के लिए निकलती है और अपने लवर जो कि डिलियन है उसकी डेड सोल को वापस लेने के लिए वो हेला के पास जाती है। इस बीच में उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसे अपने हेलुसिनेशन से निपटना होता है और बहुत से अनडेड सोल्जर्स होते हैं जो उसे मारना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शिनुआ सागा हेलब्लेड 2 की, जो रिलीज होने वाली है 2021 में। Take
सो ये फ्री टू प्ले एक्शन रोल प्लेइंग गेम है जिसे पब्लिश किया है ग्राइंडिंग गियर गेम्स ने। इस गेम में प्लेयर एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कैमरा पर्सपेक्टिव ओवरहेड होता है इसमें, और हमें एक वास्ट एरिया को डिस्कवर करने का मौका मिलता है जहाँ पे हमें अलग अलग मॉन्स्टर, अलग अलग क्वेस्ट क्लियर करने होते हैं, और धीरे धीरे ये क्वेस्ट क्लियर करने के बाद हमारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ते हैं, हमारी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी अपने आप ही बढ़ने लगती है। इस गेम में जो प्लेयर्स हैं उनके 7 क्लासेस होते हैं, और चूंकि वो 7 क्लासेस हैं तो उनके 7 क्लासेस की अलग अलग एबिलिटी भी होती है। मैं बात कर रहा हूँ पाथ ऑफ एक्साइल 2 जिसकी रिलीज डेट है दिसंबर 2021। ये गेम मोर और लेस जो है डायवलो सीरीज से भी लुक लाइक लगता है, ये आपको देखने से बिल्कुल पता लग जाएगा। Only 20 years since Kitaba fell, and already corruption spreads like a plague through these shattered lands. Wretched malevolence lurks in the shadows. It is our calling to put it to an end. It must be done if Rayclaus is to survive. तो ये एक टीम बेस्ड मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जिसे डेवलप और पब्लिश किया है ब्लिजर्ड एंटरटेनमेंट ने। इस गेम में कैरेक्टर्स को 2 टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हर एक टीम में 6 प्लेयर्स होते हैं। टोटल हमारे पास 32 कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम हीरोज बोलते हैं, और हर एक कैरेक्टर की अपनी एक यूनिक एबिलिटी होती है, अपना एक अलग स्किल फॉर्म होता है जिसको हमें धीरे धीरे मिशन प्ले करते हुए और अलग अलग मैप को प्ले करते हुए हमें अर्न करना होता है। मैं बात कर रहा हूँ ओवरवॉच 2 की जो रिलीज होने वाली है February 2021। A lot of lives are riding on what we do next. We'll have to fight one city at a time. Let's get them, Brigitte. I've got you, Papa. Watching your back. Now that's teamwork. Time to learn some new tricks. Sojourn here. ये एक रोल प्लेइंग गेम है जिसे डेवलप और पब्लिश किया है लेरियन स्टूडियोज ने। यहाँ हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को कैप्चर कर लिया जाता है माइंड फ्लेयर्स के द्वारा। इसी बीच माइंड फ्लेयर्स फेरोन नाम के एक कॉन्टिनेंट पे अटैक कर देते हैं,
और उधर इलहेड नाम का एक टैटपोल इम्प्लांट कर देते हैं। ये एक पैरासाइट है जो किसी को भी माइंड फ्लेयर्स में चेंज कर सकता है। इससे पहले कि माइंड फ्लेयर्स विक्टिम्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन पे अटैक हो जाता है वॉरियर्स के द्वारा। ये वॉरियर्स गिथियांकी वॉरियर्स हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को उधर से बचा के निकल ले जाते हैं। इसी बीच हमारे प्रोटैगनिस्ट इस सर्च में जुट जाती है कि उसके शरीर से वो पैरासाइट कैसे निकाला जाए। ओवरऑल इस गेम की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है और इस गेम का नाम है बाल्डर्स गेट 3 जो कि अर्ली 2021 में रिलीज होने वाली है। तो ये एक एक्शन गेम है जिसे फोकस ओम इंटरेक्टिव ने पब्लिश किया है। इस गेम की स्टोरी में पूरे अमेरिका में अंधेरा कायम हो चुका है और जेसी रेंटियर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो एक टॉप सीक्रेट वैम्पायर हंटिंग इंस्टीट्यूट का अकेला वारिस है जो अभी बचा हुआ है और वो वैम्पायर को ख़त्म करने के लिए और लड़ने के लिए
आगे बढ़ता है और वैम्पायर से फाइट करता है। मैं बात कर रहा हूँ इविल वेस्ट की, जो अर्ली 2021 में आने वाला है। तो ये एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम है जिसे ब्लिजर्ड एंटरटेनमेंट ने पब्लिश और डेवलप किया है। ओवरऑल ये गेम दिखाता है एंजल्स और डीमंस की फाइट। धीरे धीरे इस गेम में हमें पावर भी रिवील होती है। इसमें तीन तरह के पावर होते हैं, एंजेलिक, डेमोनिक एंड एंसेस्ट्रियल। ये तीनों पावर धीरे धीरे हमें गेम में आगे बढ़ते बढ़ते मिलते रहते हैं, और जैसे जैसे हम हार्डेस्ट एनिमी को डिफीट करते हैं हमारे वेपन्स भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डायब्लो 4 की, जिसकी रिलीज डेट 2021 है। We want is right there. No, I just came here for knowledge. They're coming! I know. Get over here! Now, breach the seal. Get us through that door! All right, help me. By three they come. By three thy way opens. Blood shows. This doesn't make any sense. Blood. Blood. Blood is the key. Blood is the key! What? I need two of you. No! Go! I'll hold them! Go! So, it says the blood of the willing goes... You gotta be kidding me! It worked! We have to help him! He's dead already. Oh well, cheer up. Gold splits better three ways instead of four. Must be hidden here somewhere. Read this. But by three they come, by three thy way opens, by the blood of them willing. Hail. Hail the creator. Oh, hail the daughter of... Oh, no. No, no, no. What about the coin? What's it say? This is forbidden. This is a summoning. I cannot speak this. Don't lie to me! We came here for treasure. What is this place? I don't know. Maybe it's a temple.
Oh, two or more. It's a gate. Life protects me. The divine wisdom guides me. Though my path is brought to darkness, guide my soul to thy sacred place. From thee of this, we see thy salvation. By three, they come. By me, thy way. By the blood of the willing. We call thee home. Open your eyes. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal light. There is no light here. You came to the darkness for knowledge. You seek is here. Surrender. Speak the words. Call her home. By three, they come. By three, thy way opens. By the blood of the willing, we call thee home. तो ये एक मिलिट्री साइंस फिक्शन गेम है जिसे डेवलप किया है बायोवेयर ने और पब्लिश किया है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने। मैं बात कर रहा हूँ मास इफेक्ट लेजेंडरी एडिशन की, जो मिड 2021 में रिलीज होने वाली है।
तो ये एक सर्वाइवल हॉरर एक्शन रोल प्लेइंग गेम है जिसे टेकलैंड ने डेवलप और पब्लिश किया है। ये एक ओपन वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन जॉम्बी एपोकलिप्टिक गेम है। इसमें हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम एडन कैडविल होता है जिसके पास पार्कर स्किल्स होती है। इस गेम में बेसिकली हमें मेली वेपन्स को यूज़ करना होता है। प्लेयर के पास ग्रैपलिंग हुक और पैराग्लाइडर की एबिलिटी भी होती है। मैं बात कर रहा हूँ डाइंग लाइट 2 की जिसकी रिलीज डेट है 2021। Because when darkness comes, I might be gone. The virus tore society apart, but I won't let it turn me into an animal. Staying alive became the essence of our existence, yet life must be more than just survival. Every day, the disease tries to crush us and make us forget who we are, but I keep fighting.